दोस्तों शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा, सावधान हो जाएं। लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड खातों के लेन देन पर अब सरकार या यूं कहें तो सेबी रोक लगाने जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खाताधारक अब अपने खातों में लेन देन नहीं कर पाएंगे। और जानेंगे कि निवेशक अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो डीमैट अकाउंट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो गया, या आपका खाता भी बंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। और इस अपडेट को जानने से पहले एक और खबर आपको बता दूं, सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड्स में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी एक आदेश जारी किया गया और कहा कि तंत्र बनाया जाए, यानी कि एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए। सेबी ने हाल ही में बोर्ड बैठक की और इसमें कहा कि इस सिस्टम में बेहतर निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य खामियों की पहचान करना जरूरी है, ताकि मतलब जो म्यूचुअल फंड के निवेशक है, इन्वेस्टर है, उनको उनके निवेश का पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि अभी मार्केट में कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है, इसके चलते सही निवेशकों तक सही लाभ नहीं पहुंच पाता है, बल्कि जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं वो मार्केट से ज्यादा लाभ निकाल कर ले जाते हैं। इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए सेबी अभी यह नया कदम उठाने जा रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये तो आप जानते होंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सिंपली आपको बताऊं तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास कंपनी की भीतरी सूचनाएं पहुंच जाती है, मतलब जैसे कोई कंपनी बड़ी डील करने वाली है, कंपनी में कोई बड़ा घाटा नफा होने वाला, उसकी सूचना आपको कंपनी के इनसाइड्स से अंदर से पहले से मिल जाती है। उससे पहले कि मार्केट में उसकी न्यूज आए, खबर आए मीडिया में, उससे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाएगी तो आप अपने निवेश को निकाल सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। आइए अब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स के लिए दूसरा बड़ा अपडेट है। लगभग 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर जो रोक लगने वाली है, इसके पीछे वजह है दोस्तों अधूरी केवाईसी। इसी महीने 1 अप्रैल से ही म्यूचुअल फंड खातों को बंद करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी के विकल्प को तो वैकल्पिक बना दिया है, और साथ ही फंड हाउस को भी अब जिंस और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का ये भी कहना है कि अधूरी केवाईसी के कारण लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग म्यूचुअल फंड खातों पर बाजार नियामक सेबी ने रोक लगा दी है। इन खाताधारकों ने केवाईसी के रूप में गैर आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा किए हैं, तो यही वजह है कि 1 अप्रैल से इन म्यूचुअल फंड खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड खाता ऑन होल्ड पर चला गया तो आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट वापस एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज आपका म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज ही रह सकता है। आपके डीमैट अकाउंट में आप अपनी केवाईसी को जरूर अपडेट कर लें। ओके, तो उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट महत्वपूर्ण सूचना आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।